सोलन शहर में ऑटो चालकों को जल्द ही वर्दी पहनकर ऑटो चलाने होंगे। इसको लेकर आरटीओ विभाग सोलन ने उच्च विभाग से क्लैरिफिकेशन मांगी है। आरटीओ सोलन गोपाल चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2007 में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें सिर्फ बस में ही वर्दी पहनने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन इस संदर्भ में क्लैरिफिकेशन अब उच्च अधिकारियों से मांगी गई है कि क्या इस नोटिफिकेशन में ऑटो भी आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि उच्च विभाग से उन्हें आदेश मिल जाते हैं तो उसके बाद सोलन में ऑटो चालकों को भी वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई वर्दी नहीं पहनता है तो उसमें चालान भी काटा जाएगा। नए ऑटो में ओवरलोडिंग करने पर भी विभाग शिकंजा कसेगा, क्योंकि परमिट का वायलेशन विभाग द्वारा बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें उच्च अधिकारियों से आदेश मिलते हैं वैसे ही सोलन में ऑटो चालकों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक्चुअल में ऑटो जो यहाँ पे ऑटो है जो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में आता है, तो एक 2007 में एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसेस के लिए वर्दी का प्रावधान किया था, लेकिन इसमें बसेस लिखा था तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसेस हो गया था ये। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में ऑटो में क्या इसमें हम ऑटो को भी ले सकते हैं, और यदि ऑटो को हम लेते हैं तो उसमें वर्दी कैसी होगी, तो क्लैरिफिकेशन जैसे ही आएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद तो फिर चालान करेंगे हम, उसमें पेनल्टी प्रोविजन है 500 रुपये का है। और कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है उसमें, जो प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म है वो यदि कोई नहीं पहनता है तो उसमें 500 रुपये का चालान है, हम चालान करते रहेंगे क्योंकि ये तो हमने इम्प्लीमेंट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, पूछा भी जा रहा था कि ऐसा अभी तक वर्दी क्यों नहीं ऑटो ड्राइवर के लिए प्रिस्क्राइब की है, तो अभी तक कोई नहीं थी तो हमने क्लेरिफिकेशन मांगा था। इसमें ये कन्फ्यूज़न था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसेस के लिए है या इसमें ऑटो को भी हम ले लें। ऑटो में 3+1 का प्रोविज़न है, ऑटो में ये है कि 3+1 3 ही सवारियाँ बैठ सकती है।